हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्ट थ्री आज हम करने वाले हैं यदि आपने इससे पहले के जो प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाएं पहले उनको सोल्व करें फिर इसमें जो हमने आज के क्लास में क्वेश्चन किए हैं फिर उनको सोल्व करें आज ये हमारा चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कंप्लीट हो जाएगा एंड कल की क्लास में हम करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस के रिगार्डिंग जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं चाहे वो जी टी प्लस बी में आए हुए हों के वी एस में आए हों एन बी एस में एचटेट में सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं आज का क्वेश्चन है द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज एड्स स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रोस्पेक्टस द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज एड्स तो क्या कहलाता है वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय जो कंपनी का जो फर्स्ट सेक्रेटरी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स आर्टिकल्स या फिर मेंबर्स आर पी एस सी पी जी टी टू थाउजेंड इलेवन में आया हुआ क्वेश्चन है एंड डी ट्रिपल एस वी के वी एस एन वी एस के जो क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिए हैं तो आज की क्लास में मोस्टली ये आर पी एस सी के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं तो सोचिए क्या आंसर होने वाला है हमारा द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोमोटर्स क्या हो जाएगा प्रोमोटर्स इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंपनी एंड आउटसाइडर्स यानी कि एक कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशनशिप को इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट शो करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफ दी अबाव 2013 थर्टीन में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्लासेस में भी कि आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन क्या होता है इंटरनल सारी चीज़ें बताता है कंपनी एंड कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेशन्स को शो करता है लेकिन जो हमारा एम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक्सटर्नल होता है यानी कि ये कंपनी एंड आउटसाइडर के रिलेशन को शो करता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा एम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू जनरल मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन यानी कि जब भी आपकी दो जनरल मीटिंग होती है उनके बीच में कितने मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए होना चाहिए सॉरी नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ट्वेल्व मंथ्स एटीन मंथ्स फिफ्टीन मंथ्स या फिर ट्वेंटी मंथ्स तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्टीन मंथ्स क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिफ्टीन मंथ्स इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज लाइक दैट ऑफ अ हब इन अ बाईसाइकल व्हील दिस स्टेटमेंट इज जस्टिस चार्ल्स वाल प्रोफेसर बकनल जस्टिस जेम्स या फिर डब्ल्यू आर स्प्रीगल क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोजिशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी यानी कि एक कंपनी के सेक्रेटरी की वो पोजिशन होती है इज़ लाइक दैट ऑफ अ हब इन अ बाईसाइकिल व्हील तो ये स्टेटमेंट किसने दी है प्रोफेसर बर्कनल ने दी है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर प्रोफेसर बकनल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इनमें से कौन सी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के अंदर गुड पर्सनैलिटी शार्प मेमोरी नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ ऑनेस्टी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सोचेंगे सभी क्या आंसर होने वाला है तो देखिए गुड पर्सनैलिटी शार्प मोमरी होनेस्टी ये तो एक एडिशनल चीज़ें होती है लेकिन इसमें पूछा है कि प्रोफेशनल क्वालिटी क्या होनी चाहिए तो प्रोफेशनल क्वालिटी तो सबसे पहले जो भी कंपनी का सेक्रेटरी होना चाहिए उसको कंपनी लो की सारी जानकारी होनी चाहिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर नॉलेज ऑफ कंपनी लो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स आर्टिकल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबोव तो क्या आंसर होने वाला है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो हम फर्स्ट सेक्रेटरी के बारे में बात करे थे कि फर्स्ट जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है ठीक है तो वहाँ पर हमारा आंसर हो गया था प्रोमोटर्स लेकिन अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी तो कौन अपॉइंट कर सकता है ऑल ऑफ द अबोव हमारा राइट right आंसर हो जाएगा प्रोमोटर्स भी, भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं आर्टिकल्स भी कर सकते हैं लेकिन जब फर्स्ट सेक्रेटरी की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है प्रोमोटर्स होता है एन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग कंप्लाइंस ऑफ इंटरनल रेगुलेशन एंड रेगुलेशन बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबाव तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है सोचेंगे सभी कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होनी चाहिए तो क्या ड्यूटी होती है बोथ ए एंड बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग कंप्लाइंस ऑफ इंटरनल रेगुलेशन एंड लेजिलेशन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन आ पब्लिक कंपनी आर पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं मेंबर्स की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ध्यान से देखना क्वेश्चन को द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन आ पब्लिक कंपनी आर टू सेवन फिफ्टीन या फिर ट्वेंटी क्या आंसर होने वाला है सोचेंगे सभी तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फिफ्टीन इज़ द राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्टीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज़ माइंड देन सेक्रेटरी इज़ यदि कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का माइंड कहलाता है तो सेक्रेटरी क्या कहलाता है ईयर नोज एंड थ्रोट ईयर आइज एंड ईयर नोज एंड आइज नन ऑफ द अब 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सोचेंगे क्या आंसर होने वाला है तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईयर आइज एंड हैंड ठीक है याद रखना कंपनी का डायरेक्टर क्या कहलाता है माइंड होता है कंपनी का एंड सेक्रेटरी क्या होता है ईयर आइज एंड हैंड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन कंपनी सेक्रेटरीज फंक्शन मैंसन यानी कि किस सेक्शन के अंदर कंपनी के जो फंक्शंस होते हैं जो मै सेक्रेटरी के जो फंक्शन होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं सेक्शन वन फिफ्टी सेक्शन टू हंड्रेड फाइव सेक्शन थ्री हंड्रेड सेवन सेक्शन फोर वन हंड्रेड फोर्टी थ्री तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन टू हंड्रेड फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आ कंपनी इज सैड टू हैव बीन इनकॉर्पोरेटिड वेन आप कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड कब बोल सकते हो नैसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैलरेडी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन ऑबटेन्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार इट एक्चुअली स्टार्ट बिजनेस या फिर नन ऑफ दी अबो तो हम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड कब बोल सकते हैं जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज़ बीन ऑफटेन फ्रॉम द रजिस्ट्रार तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों यदि क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि मैम आपके क्वेश्चन से हमें हेल्प होती है इससे मुझे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया कल का टॉपिक हमारा रहने वाला है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनंस के रिगार्डिंग ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर